टोल टैक्स पे आ गए हैं, बस यहाँ से 4 किलोमीटर सीट बेल्ट लगा देते हैं, बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है, नहीं तो फैन बेमतलब में लग जाएगा फैन 1000। वो भी जो लेता है वो गजब फोटो है, मतलब जो प्रशासन फोटो लेती है विदाउट सीट बेल्ट वो सबसे एक्सपेंसिव फोटो में से एक होता है। टोल टैक्स पहुंच गए अब यहाँ पर, और यहाँ पर देंगे टैक्स, क्योंकि जो हम लोग रोड पे चल रहे हैं, रोड टैक्स भी दो, टोल टैक्स भी दो, GST भी दो गाड़ी लेते वक्त। पहुंच गए टोल टैक्स एंट्रेंस, अब यहाँ लगेगा हम लोग का टोल टैक्स, बस क्यू में लग गए हैं, अब यहाँ पे कटेगा टैक्स, करो कहा जाता है कि 3 मिनट अगर रह गए, 3 मिनट या उससे कम ही है तो टैक्स फ्री हो जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। नितिन गडकरी से बात करना होगा, और ऐसा होता नहीं है यार, लेकिन जो रूल बनाती है NHAI उसके तहत काम होना चाहिए, बट क्या करें, गवर्नमेंट ही निकालती है, गवर्नमेंट ही बोलती है, गवर्नमेंट के आदमी ही बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो 1 मिनट हो गया ना हम लोग का, क्या किया जाए, और कुछ बोलो तो बकझक करते हैं, अब उतना किसके पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, सो करो यार। फास्टैग होते हुए भी बताओ लाइन में लगना पड़ रहा है, और लाइन में लग तो रहा है फिर भी टाइम लग रहा है, क्योंकि टोल टैक्स पर टाइम नहीं लगता है, मन होता है, करो यार, करो, चलो मेरा नंबर आ गया जी, फास्टैग, हाँ बैलेंस नहीं है, बैलेंस अभी डाले तो अब डाले नहीं कटेगा, आधा घंटा पहले डाले होते तो कट जाता, अभी समय लगेगा 10 से 15 मिनट। तो फोन पे है, फोन पे नहीं होता है, कैश है तो कैश मिलती है 125। कैश मेरे पास नहीं है, कैश मेरे पास तो नहीं है, साइड कर लीजिए 15-20 मिनट के बाद आ जाएगा, हो जाएगा। ओहो तो गाड़ी आ गई जी पीछे, सुनिए ना आगे कर लेते हैं तुरंत, 15 मिनट हम रुक जाते हैं वहाँ पे, जाएंगे नहीं रुक जाएंगे, बस साइड कर लेता हूँ मैं, स्टॉप आएगा तब ना साइड कीजिएगा। स्कैन कर लिया, रिचार्ज किया है, अभी रिचार्ज किया है, सुनिए ना कैश मेरे साथ नहीं, हम आगे लगा देते हैं फिर 15 मिनट हम रुक जाते हैं, और क्या मेरे पास कैश है नहीं एक्चुअली, पैसा जमा करिएगा कुछ तो जमा कर दीजिए तब आगे लगा सकते, बस तुरंत हम लगा, कहीं जाएंगे नहीं भैया ट्रस्ट में, तो मेरे पास कैश रहता तो हम दे ही देते ना, तो कैसे होगा, 15 मिनट में रुक जाऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, साइड करा दीजिए, हेलो साइड करवा दीजिए, साइड कर देते हैं 10-20 मिनट के बाद आ जाएंगे। ओह माय गॉड, प्रॉब्लम हो गया यार, अभी मेरे रिचार्ज गया, मुझे ध्यान नहीं था एक्चुअली, मैं वहाँ नहीं दिया, मुझे मालूम नहीं था कि 25 मिनट पहले बना है, वहाँ मैं खड़ा करके 15 मिनट रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम हो गया यार, अभी मैं दिया हूँ।
25 मिनट पहले किया जाता है और मैं अभी चार्ज किया था। अरे आगे कर लीजिए ना, हम खड़े रहेंगे। जब समस्या है अरे ए भाई, अरे मैं साइड में रहूंगा। आगे करके खड़ा करो, साइड करो, चलो। वही तो हो गया ना, हो गया है। रुको, आते हैं बात करके। ब्लैकलिस्ट में डाला है क्या? डाला है फास्टर, ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। रिचार्ज किया था यार, लेकिन 25 मिनट पहले किया था, मुझे एक भी ध्यान नहीं था। सो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। लोचा मैं देख रहा हूँ। सॉरी यार, मुझे देखना होगा। ब्लैकलिस्ट में डाला है यार कुछ और। आई सी, मैं फास्टैग अभी रिचार्ज किया था और मुझे एक भी ध्यान नहीं था कि 25 मिनट पहले किया जाता है। मैं अभी 500 डाला था और मैं डाला, रिचार्ज किया और तुरंत टोल टैक्स के अंदर घुस गया। और ये बोल रहे हैं कि 25 मिनट पहले किया जाता है, तो इसलिए मेरा नहीं ले पा रहा था, जिसके वजह से 2 मिनट मुझे लाइन में ही लगना पड़ा। सो देखते हैं, वहाँ पर नोट पर तो लिख रहा था ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, लेकिन मैं देखता हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं तुरंत जाऊँगा और बात करूँगा और अनलॉक करवाऊँगा। रुको, डोंट वरी गाइस, सॉर्ट आउट हो गया है। ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला था, जब वो स्कैन कर रहा था तो आ चुका था रिचार्ज। होता है रोड पे, ऐसे तो होता ही रहता है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, होता है। चलिए अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं था कि 25 मिनट पहले किया जाता है रिचार्ज। ऐसे फास्टैग में तो रहता ही है, बट आज पता नहीं क्यों नहीं था, कोई गया होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये सफर है सुहाना, ये सफर है सुहाना, तो जब तो मिलेंगे नहीं चॉकलेट्स, कुरकुरे, लेस, ये सब भी लेना है। कहाँ जाओगे भाई? मुझे भी इधर ही जाना है। ये रोड जो है 4 लाइन जो जा रही है और रांची तक खर्च कर दी है झारखंड, और ये पहले यही था एक्चुअली। और ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए वो 4 लाइन, नया 4 लाइन बनाया गया है, जिसके वजह से ये रोड हल्का हो गया। देख सकते हैं पूरा खाली खाली, और खाली आज इसके वजह से भी है क्योंकि आज दीपावली है, दीपों की दीपावली। जब मैं बच्चा था बहुत मन हुआ करता था पराका, एक मुर्गा छपाता है अभी भी आता है, मिर्ची बम जिसे छोटा छोटा होता है हाथ में, बहुत बार तो हाथ में ही छोड़ दिया करता था। तो आगे हम लोग चेक पोस्ट,
दीदारगंज अधिकतर लोग यहीं पे छठ पूजा करने के लिए आते हैं। अभी सीजन भी चल रहा है छठ पूजा का, तो ये टर्निंग है, यहाँ से पूरा लिंक है छठ घाट जाने के लिए, तो लोग जाते भी हैं। हम लोग यहीं आकर करते थे, यहाँ नाम पे इस जगह का नाम है दीदारगंज, दीदारगंज और चेक पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 किलोमीटर आगे है आदिस हाउस, 2 किलोमीटर ओनली 2 किलोमीटर। पेट्रोल पंप की तलाश है क्योंकि तेल भी लेनी है, तो देखते हैं। तन 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 पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, हाँ जी पहुंच गए, पेट्रोल पंप पहुंच गए, पहुंच गए जी, पेट्रोल है जी, पेट्रोल नहीं दिख रहा है जी, पेट्रोल नहीं दिख रहा है जी। चलिए आगे चलते हैं, शायद यहाँ पेट्रोल नहीं है, सीएनजी है, डीजल है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल अंडर कंस्ट्रक्शन, पेट्रोल पंप ये रहा ओल्ड हाईवे। ओहो एक ये रहा है, ये रहा है, ये रहा है, मिल गया। ए कहाँ गए, टंटना ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, जिसके वजह से हम लोग को अगला पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। सो चलते हैं। आगे वाला पेट्रोल पंप पे हो जाएगा, ऑनलाइन की सुविधा, ऑनलाइन की लेना चाहिए यार, ऑनलाइन की सुविधा लेना चाहिए, कस्टमर ना लौटे, सोचना चाहिए पेट्रोल पंप वालों को। ओह माय गॉड, यहाँ है जी हाँ पेट्रोल के, तो वो तो जाएगा, लेट्स ट्राई। ओह माय गॉड रोड खराब है, चलिए पहुँच गए पेट्रोल पंप, सेकंड पेट्रोल पंप, और काटो और काटो और काटो, पेट्रोल पंप पहुंच गए जी हम लोग। दाम बढ़ा है क्या इधर, वही है 7.5 कुछ, ये है पेट्रोल पंप, यहाँ से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहाँ से, तो बस पहुँच गए। आदि वहाँ परेशान हो रहा होगा, पराका, उसके लिए पराका नहीं है, देख सकते हैं, जल्दी दो यार। Oh,